बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग। इसका उठते ही खेलना शुरू हो जाता, कभी रोके नहीं उठता। इतना प्यारा बच्चा है मेरा, मेरी खुद की नज़र ना लग जाए। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। एंड आज पांचवा दिन है मेरी जो आई फ्लू हो गया था गाइस मेरी आँख में, मैं आपको यहाँ दिखा दूँगी। बहुत ज़्यादा इसमें स्वेलिंग थी, बहुत ज़्यादा मुझे 4 दिन प्रॉब्लम हुई। कल शाम को बिल्कुल ठीक होगी, तब से कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने आप ठीक होगी, ऐसा कुछ मैंने करा नहीं है। मैंने तो ड्रॉप भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं किया, अपने आप ठीक होगी। लेकिन अब ठीक है, आज से कोई भी दिक्कत नहीं, अब एकदम नॉर्मल हो गई है। सो मैं अभी जा रही हूँ नहाने। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही वाले आलू। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि कैसे बनते हैं और बहुत लोगों ने खाए भी नहीं होंगे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी है, तो चाय भी बनने वाली है हमारी। सो यहाँ पे मुझे नोज़ल रिसीव हो चुके हैं। मैंने ये नोज़ल केक के लिए मंगाए थे, ऑर्डर किए थे, और ये बहुत कम प्राइस में मिले हैं मुझे, अभी बताऊँगी आपको। सो ये नोज़ल ठीक है, मतलब बहुत अच्छे तो नहीं है, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग ये ठीक ही है। एक दो नोज़ल ऐसे हैं जो डबल डबल हैं, बट मैंने रख लिए, मैंने रिटर्न नहीं किया, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्राइस पता है कितना? 128 रुपीज़ में मुझे ये मिला है। आप बिलीव कर सकते हो, बहुत सस्ता है। मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या जाता है, कुछ अलग ही अलग डिज़ाइन बनाने को मिलेगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाए, इतना महंगा नहीं था। सो गाइस, एक बच्चे के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये देख रहे हो आप कैसे पूरे में घूम रहा है। मैंने अभी इसको लॉकर में बिठा लो, तब मैंने यहाँ पे पोछा लगा पाया। मम्मी मंदिर गई हैं, तो इस वजह से एक लोग इनको देखने के लिए चाहिए। इनको ऐसे वॉकर में बिठा के छोड़ भी नहीं सकते। अब देख रहे हो कैसे चला रहा है, कहीं भी टकरा जाएगा तो फिर चोट लग सकती है। देखा, यही करेंगे ये, है ना? यही आता है तुमको भैया, काम बहुत है। लेकिन ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, देखो तुम्हारी वजह से हम काम नहीं कर पाते हैं, और टाइम तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है। देखो देखो देखो। अगर के दिखाओ, अरे रुक रुक रुक, फोन नहीं। अगर अच्छा अच्छा आकर के दिखा, दांत दांत दिखा, दांत दिखा, दांत दांत दिखा। रुक 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 रुक, बाबू देखने दो ना प्लीज़, बाबू देखने दो ना प्लीज़। आ तलते दिखाओ, आ आ। देखो फोन मार देता है। तो इसने अभी से खाना शुरू कर दिया है। ये हमारे यहाँ पुआ बोलते हैं इसको, मीठी पूड़ी होती है जो, वो खा रहा है। ये बहुत ज़्यादा टाइट है और इसको मज़ा आ रहा है। राजा क्या कर रहे हो? भाई साहब फाड़ देगा, फाड़ देगा, छोड़ छोड़ छोड़। सो गाइस, आज मैं बना रही हूँ घेवर, और मतलब पहली बार बना रही हूँ। अभी तक मैंने कभी नहीं बनाया, बस वीडियो देख के बना रही हूँ। तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं, और मैंने ज़रा सा इसका बैटर बनाया था, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो ये मेरा पहला घेवर है, देखते हैं कैसा बना। तो घेवर पहला आप देख सकते हो टूट चुका है निकालने में, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था किस तरह से इसको निकालना है। तो अभी मुझे लेकिन समझ में आया है किस तरह से निकालना है। और दूसरी चीज़, ये बहुत ज़्यादा पतला है, और मेरे पास बैटर कम था इसलिए मैंने थोड़ा। और ये रहा सेकेंड वाला घेवर, और ये बहुत ही अच्छा बना, आप देख सकते हो। बैटर कम था इसलिए इसके बीच में जगह है ज़्यादा, क्योंकि बैटर कम था, मुझे कम से कम दो तो बनाने ही थे। गाइस कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है आपको। सो ये बन गया हमारा तीसरा और आखिरी घेवर। ये बहुत ही देखने में इतने प्यारे बने हैं ना, मैंने सोचा नहीं था इतने अच्छे मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध चढ़ा दिया है रबड़ी बनाने के लिए, और चाशनी भी यहाँ पे थोड़ी सी बना रही हूँ, क्योंकि दो ही हैं। तो बैटर कम था इस वजह से बीच में होल रह गया। यहाँ पे मैंने रबड़ी और थोड़ा सा बादाम लगा दिया साइड में, और ये इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना, आप देख ही सकते हो। इनकी जो जाली है एकदम परफेक्ट बनी है। अब मतलब पहली बार मैंने बनाया, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा मैंने बहुत ही अच्छे बनाए हैं, मुझे खुद इतने अच्छे लगे हैं। तो फिर सच में ये बहुत ही टेस्टी है, देखने में ही इतने प्यारे लग रहे हैं गाइस। तो ये फर्स्ट वाला था, ये भी मैंने रख दिया है। सो घेवर बनाते समय मेरा हाथ में थोड़ा सा टच हो गया था, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बुरी तरह से जला, बुरी तो नहीं बट हाँ ज़रा सा टच हो गया, और आप देख सकते हो कितना बड़ा फलक हो गया है यहाँ पे हाथ पे।
काम करते समय कहीं ना कहीं हाथ मेरे जलते ही रहते हैं, बहुत सारे निशान हो गए मेरे हाथ में जलने के। सो गाइस, घेवर जो है ना एक नंबर बना है, देखने में उतना परफेक्ट नहीं बना है बट टेस्ट में एक नंबर है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मतलब मार्केट जैसा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मेरी जितनी भी मेहनत थी, इसमें मेहनत तो लगती है, बनने में टाइम लगता है, और हाथ से मैंने बनाया, मिक्सी में नहीं बनाया था इसका बैटर, तो वहाँ पे भी आपकी मेहनत लगती है। तो अगर मेहनत सफल हो जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर यही अच्छा नहीं बना होता तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता। तो घेवर गाइस बहुत अच्छा बना है, और नेक्स्ट टाइम मैं ज़्यादा बनाऊँगी तब भी आपको दिखाऊँगी कैसे बनाया है। सो गाइस, घेवर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आज मैंने बना के देख लिया और घर पे बहुत अच्छे से बन जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मैंने पहली बार ट्राई किया था और मार्केट जैसा ही सेम बना है, टेस्ट एकदम मस्त है, और नेक्स्ट टाइम मैं ज़्यादा बनाऊँगी, और जो लुक वाइज है वो भी मैं बिल्कुल परफेक्ट बनाने वाली हूँ नेक्स्ट टाइम, बट अभी जितना बैटर कम था एक्चुअली, तो थोड़ा सा बीच में होल रह गया, वरना परफेक्ट बना है। सो गाइस, ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे और मज़ेदार ब्लॉग देखने के लिए, और लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलेंगे, तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बाय बाय।